तो आज 10th of June है और रिजल्ट डे है और अनिका बहुत हैप्पी है, स्कूल जा रही है रिजल्ट लेने अपना, ठीक है। बल्कि मैं ले आई हूँ रिजल्ट, क्या आया है वो बताते हैं, अपनी पिक्चर्स के लिए जा रही है स्कूल। चले जी मूव ऑन। अच्छा वो अलाउ ही नहीं करेंगे मुझे पिक्चर बनाना। चले ठीक है आ जाएं आप जल्दी जल्दी चलें, लेट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के डी ब्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी सलाम, मैंने बहुत बाद में दिया और वीडियो पहले स्टार्ट कर ली हुई है। ये था कि जी सुबह मैं रिजल्ट कलेक्ट करने आई हूँ बच्चों का, तो टीचर ने कहा कि आप बच्चों को लेके आएँ, मैंने उनके साथ पिक्चर्स लेनी थी और ये वो। चले मैंने कहा अच्छा, फिर मैं गई घर पर तो कहती हैं चलें, अब बच्चे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बच्चे खुश होते हैं। मैंने घर जाके बच्चे सोए हुए थे, उन्हें उठाया और उन्हें स्कूल लेके आई और बस बहुत ही बुरी आमना जो था ना वो तो नींद की इतनी प्यारी है ना, उठ नहीं रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर रेडी किया और मूड ज़रा सा ख़राब ही रहा आमना। हैप्पी हो मैडम? पता नहीं क्या मसला है, मैं मिट्टू है, मैं मिट्टू मीना। आज आमना की पार्टी पक्की है, पक्की है। सोना ग्लास पी के अंदर रखा है। अच्छा जी अनिका कहती, आमना कहती है कि मैंने खानी है चॉकलेट और फिर हम आए। मैंने कहा मैं तो, मुझे थोड़ी सी ट्रंक का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, तो फिर बस भाभी कहती है चलो फिर मैं भी साथ ही चलती हूँ। बिल्कुल घर के बाहर ही ये स्टोर है और यहाँ से फिर इनको आइसक्रीम लेके गई हैं, चॉकलेट्स लिए हैं, चिप्स लिए हैं और जी फिर खुश हुई हैं और घर गई हैं। अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं आइसक्रीम, मुझे कह रही है अनिका कि आप इतनी ज्यादा खा रही हैं मोटी हो जाएंगी, तो मैंने कहा चलें आज खा लेती हूँ कोई बात नहीं। और देखें वो कहाँ बैठी हुई है। अच्छा जी अभी हम जा रहे हैं मार्केट और जाना नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मतलब मेरी टांग में मसला हुआ हुआ है। मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ। बाबा कह रहे हैं मैं लॉक कर रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं मैं लॉक कर रहा हूँ। अच्छा हम जा रहे हैं मार्केट, बच्चे कह रहे थे कि पार्टी करनी है और पार्टी भी क्या करनी थी। मैंने तो यही कहा था भाई से के घर ले आए और घर में ही खाना खा लेते हैं कुछ, तो या फिर हमारे कल गेस्ट थे तो कहा कि उन गेस्ट आते हैं तो फिर उनके साथ ही खा लेंगे, लेकिन बच्चे माने नहीं, कहते हमने बाहर जाना है। और मेरी टांग में बहुत दर्द था लेकिन मैं अब जो है ना बस इसलिए जा रही हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है। तो मैं कहा चले अब लाइट भी जाने वाली थी थोड़ा सा, तो एक घंटा जो लाइट जानी है तो वो फिर हम बाहर से हो आते हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है जी नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे गेस्ट आ गए हैं, नाश्ता कर रहे थे हम सब
और बस फिर जी नाश्ता कर लिया है, उसके बाद चाय बनाने आए हैं। काफ़ी दिन से व्लॉग्स भी नहीं मैं कर रही, पता नहीं क्यों मैं बहुत ना लेज़ी हो गई और मेरा कुछ ऐसा दिल भी नहीं करता, बस थोड़ा। चलिए मैंने कहा ये है कि मैं अभी है ना आमिना के साथ और अनिका के साथ इस तरह बिज़ी हूँ उनकी स्टडीज़ के लिए, कि जो कोरोना में गैप आया था तो अनिका की एज का मसला आया था, तो वो बस मैं उस गैप को कवर कर रही हूँ और मुझे एक एक सेमेस्टर जो है ना मतलब उनको जंप करवाना है, तो बस इसी तरह जो है ना वो चल रहा है। तो जी मैंने कुछ ज़्यादा सारा दिन बनाई भी नहीं, क्योंकि गेस्ट भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि कैमरे के सामने ना ही आया जाए, तो फिर ये है कि अपनी रूटीन तो दिखानी होती है। तो फिर ये जी दूध ख़राब हो गया हमारा, और 2 किलो दूध था और वो ख़राब हुआ है। उसके बाद जी हम बर्गर बनाने लगे थे और शाम में हमें कहीं गए थे, तो वहाँ से आए हैं वापसी पे तो फिर बर्गर बनाने शुरू किए हैं। कहा कि चले अभी खाना बनने का टाइम नहीं, लेकिन खाने का टाइम हो चुका था तो पहले हम फिर फ्राइज़ और बर्गर बना लेते हैं। बहुत तेल बहुत इसमें से ऐसे और ऐसे। तो जी भाभी बता रही थी कि तेल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी सूंघ सूंघ के से इस्तेमाल करना है तेल को। एनीवेज जी हमारी जो थी ये रेडी हो गए थे बर्गर और फ्राइज, और अभी फ्राइज और बन रहे थे। और ये है मेरी प्लेट, ठीक है, जिसमें से मैं भी खाऊंगी। खा लो हमने खा पी लिया तो फिर कहा कि चले अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और सब बातें करने लग गए आपस में लेट के, और अंधेरा कर लिया हुआ था हमने। और इसके बाद जब हमने कुकिंग करनी थी और कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या, क्योंकि बहुत थक गए थे, हमें घर से ना किसी काम से बाहर जाना पड़ा था गेस्ट के साथ ही, तो फिर जब हम आए थे तो हम बहुत थक गए थे। अब बर्गर फ्राइज़ खा के बैली फुल करके जी, तो अब हम जो थे ना थोड़ी देर बाद कहा कि चले चलते हैं किचन में और खाने की तैयारी करते हैं। कर लिया यखनी निकल रही है, निकाल के ना तो इसमें उठानी है, तीली में गरम है ना ज्यादा। निहारी बनाने लगे हमें, ये है हड्डियां और ये है बॉडी। यखनी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, और तुम बनाने लगी हो निहारी बनाने लगी है। तो जी बस देखें क्या बनता है। मैंने कहा मिठे निकालू ना ऊपर से, तो वो छान लो ना उसे। नहीं ना मीठे ना, अच्छा मीठ निकाल, मीठ ऊपर से ये निकालो फिर बाकी छानती है। सही है, कितनी सुनी यखनी निकली। मैंने मुझे लगा कि शायद कुकर काम ना करे क्या। नहीं नहीं मुझे ना उस वक्त तुम बता देती ना, मैंने उसको देख लेना था। किसको बता देती कि ये साड़ा हांडियां। मैं प्याज काट रही थी तो अनिका कहती है जाओ अंदर जाओ, फूफा किचन में जाएं, एसी में सारी स्मेल हो रही है इसकी। मैं कहा चलो ठीक। ये निकली है सारी ना, अच्छा नहीं और भी है। अच्छा लास्ट टाइम ना पानी ज्यादा कर दिया था। अच्छा दही तो मिला नहीं आज, तो यही दही है पुलाव में मैंने डालना है। कौन ले आया? किलो दही आया है। हम आते हैं अच्छा, तो फिर मैंने हमारे से आधा किलो दही और मंगवा लिया। मैं सुनू दही आया ही नहीं। नहीं नहीं दही है, दूध भी ये लो बाकी बाउल में डाल। चलो मुझे इसमें पुलाव के लिए चाहिए था ना, मैं कर लूँ बड़े चूल्हे पे। हाँ करो करो, ये फिर फाइनल करो, उसको साइड पे करो। चलो ठीक है मैं ये कर लूँ। और जी ये है फाइनल लुक कि मेरा पुलाव भी रेडी हो गया और निहारी भी बना ली हमने। और ये था कि हमने बिरयानी बनानी थी जिसके लिए हम डेली तैयार रहते हैं, चाहे हमें डेली मिल जाए, लेकिन ये था कि हमारे गेस्ट कह रहे थे कि वो पुलाव खाते हैं बिरयानी नहीं खाते बच्चे, तो फिर हमने जो था ना वो पुलाव ही बनाया। और निहारी भी बहुत मज़े की बनी थी, इवन हमारे एसी सर्विस करने आए हुए थे तो फिर हमने उनके साथ भी शेयर की, उनको भी बॉल में डाल के दिए। अच्छा गेस्ट चले गए, फिर सफाई वगैरह की और वही जो रूटीन का होता है, फिर साफ़ वगैरह करने के बाद फिर हमने सिटिंग की सफाई कर ली, किचन साफ़ कर लिया, और फिर रात में हम लूडो खेलने लगे जो कि आजकल हमारी रूटीन में है, और तकरीबन दो तो डेली जो है ना। अच्छा भाभी और भाई खेल लेते हैं और मैं भी, तो ये एक मुझे ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी लगी घर में कि चलें थोड़ा खुद को बिज़ी कर लेते हैं और अच्छा हो जाता है। वैसे अब इतनी गर्मी आप कहाँ जाएं, और कहीं भी रिलेटिव्स का दिल तो करता है लेकिन ना ये है कि गर्मी की वजह से कहीं भी नहीं जाया जाता, तो फिर अपने घर में
ये है कि बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेते हैं, हम भी, और देखें आपको लूडो की हालत देख के अंदाज़ा और होगा कि कितनी इस्तेमाल होती है। तो खैर जी, वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।